क्लास 12 मैथ के अंतर्गत आज हम लोग अभ्यास 6 का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। तो चलिए बाबू, मैं सुनील सर आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताइए और आपका मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। आइए प्रश्न है, एक से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बाबू, कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए। क्षेत्रफल की बात करेगा तो डी आर, और त्रिज्या के सापेक्ष कहेगा सॉरी क्षेत्रफल की बात करेगा डी ए, और त्रिज्या के सापेक्ष कहेगा तो डी आर। यानी अगर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछता है, त्रिज्या के सापेक्ष तो DA/DR, समय के सापेक्ष कहता है तो DA/DT हम लोग लिखते हैं। तो चलिए, तो पहला तो इसमें आर का मान 3 सेंटीमीटर है, दूसरा आर का मान 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए तनि हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर एक जो होगा, आर के मान वृत्त माने आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल याद है ना, π r²। अब देखिए, अब आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, आर के सापेक्ष तो DA/DR बराबर है तो पाई वही गान वही रह गएंगे, लेकिन आर के ऊपर 2 बार 2 आगे आ जाएगा ना, जब 2π r, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। आर का मान 3 है तो DA/DR, आर के जगह पर 3 रख देंगे तो 2π, जहाँ आर है पर 3 × 3 = 6π। जाए देखिए बाबू, हाई जो क्षेत्रफल है इसका तो cm² होगा, और DR है इसका सेकेंड हो जाएगा, तो मात्रा कहाँ लिख देंगे, cm² प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नहीं है, सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि त्रिज्या है ना वो तो सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा, सेकेंड नंबर भी यही बात होगी, आर का मान 4, अरे भाई 2π r आया था ना बस, आर का जब 4 तो 2π × 4 8π cm² प्रति, कटना मत बाबू कटना मत, जेंगा ही बाबू इंगे लिख देना। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पास। कहता है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर³ प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बाबू ये देखिए, यहाँ पर एकदम बात फिक्स है कि आयतन 8 सेंटीमीटर³ प्रति सेकेंड, यस का मतलब सेकेंड है, यानी भी का मान। अब जरा देखिए, घन का जो आयतन होता है भी बराबर x³, आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt और x/3/3 आगे आ जाएगा, 3x² और आपका dx/dt हो जाएगा, dx/dt। हम t इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेकेंड दिया गया। अब देखिए जरा, dv/dt तो आपको मालूम है, हाँ 8 दिया है ना, तो इसके जब 8 रखिए, चाहे इधर रखिए चाहे इधर कहीं रखिए, 8 रख दीजिए, और ये 3x² जो है, और ये dx/dt वैसे रखिए 8 वैसे ही, ये बटा में आ जाएगा गुणा में, तो एक बात तो क्लियर हुआ कि dx/dt बराबर 8/3x², लेकिन x का मान 12 दिया है ना, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पर रख दीजिए dx/dt, x का मान 12, तो 8/3 × 12 × 12 तो 1/54 काट दीजिए, अरे भैया 2 4 से काटेंगे तो 2 बार में ही 3 बार में ही फिर ये काट जाएगा, तो 154 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आएगा, एक्स के लिए सेंटीमीटर और डीटी के लिए प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हुआ ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो यह बराबर 6x² होता है ना घन का, तो अब फिर ठीक है सब चौकन करेंगे तो डीटी बता dx हो जाएगा। उसके बाद से अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो dx/dt होता है तो 6 × 2x और dx/dt, अब देखिए आई 6 × 12 हो जाएगा, x का मान 12 है, dx/dt का मान 1/54 है, उसके बाद से आपको काट कूट करिए, 12 से 54 काट दीजिए, काट करके जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 8/3 cm² प्रति सेकेंड, ये क्षेत्रफल के लिए और ये सेकेंड के लिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिखा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ये बात तो क्लियर हुआ ना, त्रिज्या की बात हो रही है ना, सेंटीमीटर त्रिज्या ये प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या, यानी DA/DT का मान आपको निकालना। ये तो बात तो क्लियर है कि जहाँ अब जब आप DA/DT का मान निकाल देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है, जो जो सवाल दिया है ना, DR/DT 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल है a/πr². अब जब आप मुझे बताइए, फिर यहाँ पर ठीक है सब अवकलन करेंगे सेकेंड है ना, तो DA/DT हो जाएगा, ठीक है सब कुछ करें ना, नीचे DT होगा, आई आई 2 आगे आ जाएगा, 2π r और DR/DT। अब जो एक बात याद जरूर रखिएगा, हम लोग r के सापेक्ष करते तो ये डी
आर के सापेक्ष करते हैं तो डी डी आर बटा डी टी होता है, डी टी नहीं होता तो डी आर से आ ही नहीं लिखते, लेकिन आर अलग है टी अलग है ना, तो लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बात और देखिए, आर का मान 10 है, तो आर का मान 10 है तो 2 पाई आर के जब 10 रखिए और डी आर बटा डी टी का मान तो दिया ही है ना, 3 दिया है तो सवाल में 3 रख दीजिए, पूरा गुणा कर दीजिए, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। का है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे क्योंकि यहाँ के लिए ना क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक के लिए सेकेंड हो जाएगा। आसान है कि नहीं? बहुत आसान अभ्यास है। आइए प्रश्न संख्या 4 के पास, कहता है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के दर से बढ़ रहा है तो घन के आयतन की दर से बढ़ेगा। एक तो बात क्लियर हुआ ना कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डी वी बटा डी टी निकालना है। का दे दिया है, फिर दिया है डी एक्स बटा डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, किनारा जो दिया है किनारा, किनारे का मतलब एक्स का मान 12 आपका दे दिया है और घन का आयतन होता है भी बराबर एक्स पर 3, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो आपका डी भी बटा डी टी टी बराबर 3 आगे आ जाएगा, ये घटेगा 3x/2 डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा। अब जैसे देखिए 3x² और डी एक्स बटा डी टी का मान 3 दिया है ना, तो 3 यहाँ फिर भर देंगे हम लोग, 3 3 का 9 9x² और डी भी बटा डी एक्स, एक्स मान 10 दिया है, 9x/10² तो 100 हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड। तो घन का जो आयतन होगा 900 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 के पास। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है, जब वृत्तकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपके पूछ रहा है सवाल में, तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो दिया गया है देखिए जरा, पहले तो आपका जो बढ़ रहा है डी आर बटा डी टी का मान 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कहता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर डी आर बाई टी के सापेक्ष डी आर बटा डी टी, आई 2 आगे आएगा 2 पाई आर डी आर बटा डी डी ए बटा डी टी, आर का मान 10 रख दीजिए 2 पाई गुणे आर का मान तो 8 है और डी आर बटा डी टी का मान 5, तो पूरा हल कर देंगे तो 80 पाई सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर अब लोग 6 के पास हम लोग चलते हैं, तो 6 नंबर कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब आर का मान 4.9 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या माना कि आर वृत्त की परिधि सी है, आज की एक बात है ना डी आर बटा डी टी का मान दिया है 0.7, देखिए ना क्या है त्रिज्या में वृद्धि की दर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो रखा गया सी का मान याद करो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है और डी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी सी बटा डी टी बराबर 2 पाई आर के लिए डी आर बटा डी टी 2 पाई आर डी आर बटा डी टी की जगह 0.7 और 1.4 पाई आ जाएगा, तो डी सी बटा डी टी बराबर 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, तो अतः वृत्त का परिधि 1.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। समझ गए बात को, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y का मान 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, जब x का मान 8 सेंटीमीटर y का मान 6 सेंटीमीटर तब आयत की एक बार परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालना है। देखिए जरा लंबाई को x माना है ना, तो dx बटा dt जब घट रही है तो माइनस से दिखा देंगे, माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट और जब जो चौड़ाई है जिसको y कहते हैं बढ़ रही है ना, तो डी वाई बटा डी टी 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। जरा देखिए आयत का क्षेत्रफल a है, परिमाप b है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो अब क्या करना है देखिए जरा, पहले तो परिमाप पढ़ेंगे ना, आयत का 2 होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी पी बटा डी टी 2 ही ज्ञान डी एक्स बटा डी टी प्लस डी वाई बटा डी टी, मान आपको मालूम है ना माइनस 5 और 4 एक जगह पर रख दीजिए आ जाएगा। चलिए देखिए आई डी ए बटा डी टी वही ना डी एक्स बटा डी टी वाई प्लस एक्स बटा डी वाई बटा डी टी, अब एक्स का मान आप देख रहे हैं 8 दे दिया है, वाई का मान 6 है, पूरा मान भर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, अभी मैं बता रहा था ना यहाँ 2 ऐसे ही रखिए, डी एक्स बटा डी टी का मान माइनस 5 है रख दीजिए और इसके जगह 4 रख दीजिए, पीछे वाला सवाल था ये, और घटेगा तो माइनस 1 माइनस 2 सेंटीमीटर,
तो 2 सेंटीमीटर पर जैसे घट रहा है, मैं ऐसे बता रहा है ना कि घट रहा है, मैंने बस बता रहा है कि क्या हो रहा है, घट रहा है। और दूसरा में ए बराबर एक्स वाई है ना, वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या करना है जरा देखिए, अब आप टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी आई बटा डी टी, तो चाहे देखिए एक बार वाई आगे आएगा पीछे तो डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा ना, अब एक्स आ गया तो डी वाई बटा डी टी, अब सब मान दिया है डी एक्स बटा डी टी सब दिया गया, भर दीजिए इसमें इसके जगह पर माइनस पाँच और जहाँ वाई है तहाँ पर छः प्लस एक्स पर आठ, इसका मान चार भरा गया, छः पचास तीस आ छः को बत्तीस, बत्तीस में तीस जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये बढ़ रहा है क्योंकि क्यों बढ़ रहा है क्योंकि प्लस में आया, अतः क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, याद करो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड के भर कर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई गोलाकार है ना, उसमें हवा भरा है, तो क्या मतलब गोला गोला का आयतन क्या होता है, वी बटा चार बटा तीन पाई आर क्यू। अब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी बटा डी टी बराबर 900, आर का मान 15 है ना, तो कर दीजिए डी वी बटा डी टी, और देखिए का चार बटा तीन नहीं ज्ञान पाई हुई ज्ञान आर के ऊपर 3 बार 3 आ गए और 1 घटा देगा इतना डी आर बटा डी टी 12/3 आई दिया है ना 900 12/3 3 है सही पाई हो सही गुना हो गया 4/3 से 12 पाई हो सही आर का मान 15 × 15 डी आर बटा डी टी, तो हमें डी आर बटा डी टी ये पूरा बाटा में दे देखिए आप इसको हल कर देंगे तो डी आर बटा डी टी का मान 1/5 हो जाएगा, पूरा कर जाएगा ना, समझ गए 5 × 7 और तो ये कर जाएगा केवल 1/5 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समझना है लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार लगातार गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए त्रिज्या आपका है 2 और जो आयतन है भी कमान 4/3 पाई आर क्यू है, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी वी बटा डी आर बराबर 4/3 पाई 3 r² 4/3 4 πr² डी वी बटा डी आर 4 π आर की जगह पर 10 × 10 400 πcm³ प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा, आसान है बुरा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है ना। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और सीढ़ी का नीचे सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर/सेकेंड की दर से खींचा जाता है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। माना सीढ़ी की लंबाई एसी के मान 5 मीटर, बी देखिए यह है फिगर देख रहे हैं, जमीन है सीढ़ी है 5 मीटर है 4 मीटर है 3 मीटर है, समझ गए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय में लेंगे तो x² + y² + 5 का² 25, समझ गए एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये 2x dx/dt + dy/dt और ये 0 x dy/dt + y dy/dt = 0, ठीक है। ये 3 ये 4 मीटर ये 5 मीटर ये 2 मीटर, एक्स का मान 4 तो y² + 25 y का मान 3 और यहाँ पर dx/2 cm/s 0.02 m/s, x/4 y/3 अब रख देंगे कि मैं तो रखेंगे तो 4 × 0.02 + 3 × dv/dt और dy/dt इतना रहेगा और हल कर देंगे तो मैं 8/3, तो सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 cm/s की दर से घट रही है, उत्तर दे दी। चलिए 11 नंबर। एक कण वक्र 6y = x/3 + 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। वक्र का समीकरण दिया है 6y × x³ + 2 समीकरण नंबर 1। अब जब देखिए 6 अवकलन कर दो ठीक है सब 6 dy/dx x³ है 3x² dx/dt 2 का 0 हो जाएगा। अब भाई जरा देखिए एक बात दिया है कि वाई का जो अवकलन है वह एक्स के सापेक्ष 8 गुना है ना, तो dy/dt = 8 dx/dt का मान 2 में रख दीजिए, कहाँ वहाँ जहाँ dy/dx है ना इतना रख दीजिए। अब जरा देखिए रखेंगे तो कहा आ जाएगा,
तो छः वही ना रहेगा, यही तो रखना था। तो 8 dy/dx / dt बराबर 3x² कुछ कटेगा, इससे ये कट गया और आपका कुछ ये 3 से 6 दो बार में आदमी 16 तो x² 16 प्लस माइनस 4 x/4 लेने पर तो y के मान 1/6 x^4/3 2 तो 11 आ जाएगा। माइनस 4 लेंगे रख दीजिए वही में तो कितना आएगा इतना, इस तरह का अभीष्ट बिंदु 4 11 या माइनस 4 या 31/3 आ जाए। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 cm/s के दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 cm है। माना आर त्रिज्या वाले बुलबुले का आयतन भी है तो dr/dt = 1/2 cm/s, भी का मान 4/3 πr³, dv/dt = 4/3 × 3πr² dr/dt 4πr² dr/dt हो जाएगा और यहाँ पर r = 1 हो जाएगा तो dr/dt = 1/2 हमें रख दीजिए तो dv/dt = 4πr का मान 1 है, dr/dt 1/2 है तो 2π cm/s आ जाएगा। तो बुलबुले का आयतन 2π cm³/s के दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आइए प्रश्न 13। कहता है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है तो x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है तो x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आइए तो माना गुब्बारा का आयतन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा ना। हाँ तो समझते हैं, व्यास दिया है त्रिज्या वगैरह आपको क्या करना है निकालना। देखिए तो व्यास जो दिया गया 3/2 2x+1 तो त्रिज्या निकालेंगे, 2 से भाग देंगे ना तो 3/2 से भाग देंगे नीचे 2 से तो 2 × 4 इतना आ जाएगा। और हम जानते होंगे कि जो गोलाकार गुब्बारा उसका आयतन भी बराबर 4/3 πr³, 4/3 πr का मान दिया ना पूरा, ये इसके ऊपर 3 4/3 πr और 3/4 के जब क्यू करेंगे 27/64 2x+1 के ऊपर 3 आ जाएगा। अब भी बराबर कुछ कटेगा 3 से 1 काट दीजिए 9 बार में 9 6 36 और फिर 1 काट जाएगा ना और 64 तो चलिए 9π/16 और 2x+1 के ऊपर 3 x का सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dv/dx आई 9π/16 वही ना आई घात वाला पहले करिए 3 आ गया 2x+1 के ऊपर 1 घटेगा 2 dx आ जो आपका 2x+1 को ऐसे ही लिखो तो देखते रहना बाबू 9π/16 आई 3 वही ना 2x+1 के ऊपर 2 आई तो x का 1 होगा आई तो 0 तो केवल 2 हो जाएगा और 2 से गुणा 3 में कर दो चाहे 2 से कर दो 16 के 8 बार में और 3 से गुणा 9 में कर दो 27π/8 2 से 8 कट जाएगा और बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 के पास। 14 कहता है कि एक पाइप से रेत 12 cm³/s की दर से गिर रहा है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 है। रेत से बने शंकु का ऊंचाई की दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 cm है। ठीक है, जबकि माना बालू के शंकु का आयतन भी ऊंचाई यच त्रिज्या आर दिया गया है, यच बराबर 8/6 यच बराबर 8/6 आ जाएगा। तो आर बराबर गुणा करेंगे 6 यच हो जाएगा, dv/dt = 12 cm/s हो जाएगा। तो आयतन भी बराबर 1/3 πr² यच हो जाएगा, 1/3 πr के बराबर 6 यच का 2 यच π/3 36 h³ ठीक है, सब चौकड़ा कर देंगे तो dv/dt अब देखिए ना आई आई देखिए आई 3 से काटेंगे तो 12 बार में कट गया 12π हाई 3 अगवा आ जाएगा h² dh/dt अगर जब 12 दिया तो 12 रख दो 36 pi h² dh/dt हाई 12 36 × π h² h^4 है dh/dt 12 × 36 × 16 ये रहेगा अब dh/dt वैसे ही और इस तरीके से हल करेंगे 48π cm/s होगा। समझ गए? लगा लेंगे ना। ठीक है आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के पास चलते हैं। 15 नंबर है, कहता है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल आयतन cx रुपये में cx = 0.007 x/3 - 0.003 x/2 + 15 x + 4000 है से प्रदत्त है तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। सी बराबर इतना सब दिया है, आप सीमांत आय निकालेंगे ना तो आप अवकलन कर दीजिए तो dc/dx और ये जो होगा वैसे ही लिखिए और ये जो 3 होगा आगे आ जाएगा ना 3 से गुणा कर दिया गया है 0.02
घटा देंगे एक्स पे दो, भाई दो आगे आ जाएगा छः, घटा देंगे एक, भाई 15 हो जाएगा, भाई तो जीरो में एक्स नहीं है, अब 117 रख दीजिए तो आपका हो जाएगा मैक्सिमम जो प्राइस है वह डी सी बटा डी एक्स, जितना इतना है एक्स पर रखेंगे 17, ये 17 का बार करेंगे 289, भाई रखेंगे एक्स कमा 17 15, भाई गुणा कर देंगे इतना आ गया, भाई इतना आई 15 हल कर देंगे तो 20.0 20.967 आपका आ जाएगा। तो अतः सीमांत जो आया होगा 20.97 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 भी देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है किसी उत्पादन की एक इकाई के विक्रय से प्राप्त आय आर एक्स का मान रुपया में आर एक्स बराबर 13x² प्लस 26x + 15 से प्रदत्त है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि एक्स के बराबर 7 है। दिया गया है कि आर एक्स का मान जो दिया गया उसको आप सीमांत आय निकालना आकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, तो डी आर बटा डी एक्स 13 से 2 से गुणा होगा 26x और प्लस 26 हो जाएगा, एक्स का मान 7 रखिए तो डी आर बटा उतना हो जाएगा 26 × 7 + 26 एक 208 हो जाएगा, तो सीमांत आय 208 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। बाबू तुम समझते रहना, ध्यान देते रहना धैर्यपूर्वक। प्रश्न 17 तथा 18 के सही उत्तर लिखिए। जैसे कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। याद करो क्षेत्रफल ये होगा वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये बराबर पाई आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष आकलन करेंगे तो डी आर बटा डी टी 2 आगे आ जाएगा 2 पाई आर, आर का मान कितना दिया है 6 नहीं 6 रख देते हैं सोलिया में, तो 2 पाई × 6 तो 12 पाई सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड होगा, क्या होगा ये 12 पाई ये देख रहे हैं ना, ये सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर आते हैं, अब लास्ट है ना इस अभ्यास का अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा अभ्यास था ये। कहता है कि एक उत्पाद की एक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आर एक्स 3x² + 36x + 5 के प्रदत्त है, अब एक्स बराबर 15 तो सीमांत आय ज्ञात करिए, देखिए यही है ना आकलन करेंगे तो 2 आगे 6x हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स 3x² + 36x + 6 या देखिए ये 6 × 3 = 6x + 36 छः वही ज्ञान कम ले लीजिए एक्स प्लस 6 बस बात खत्म, जहाँ एक्स है कुछ दिया है ना 15 है तो 15 रख देते हैं यहाँ पर, तो या 15 रखेंगे तो 15 × 6 = 21 तो 6 × 21 126 रुपये आंसर आ जाएगा, कौन विकल्प सही है 126 तो डी आपका सही है। इस तरीके से यह हमारा अभ्यास खत्म होता है, अगले वीडियो में 6.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।